हाय मॉमीज एंड डैडीज, वेलकम बैक टू मॉमकॉम इंडिया। आज हम डिटेल में बात करने वाले हैं एक बीमारी के बारे में जो बच्चों में बहुत ही कॉमन है। इस बीमारी का नाम है हैंड फुट माउथ डिसीज़। काफ़ी पेरेंट्स इस डिसीज़ के लिए मुझे लिख रहे हैं कि आप प्लीज़ इस पर एक वीडियो करो ताकि अवेयरनेस फैल सके। वो इसलिए कि क्योंकि ये बीमारी बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है, तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे में फैलने का जो चांस है वो बहुत ही आसान हो जाता है। तो डिटेल में बात करते हैं इस वीडियो के बारे में। इफ़ यू आर एन इंग्लिश व्यूअर ऑफ दिस टॉपिक, देन द इंग्लिश वर्जन विल बी पोस्टेड ऑन आर चैनल टुमारो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा, हेल्प मिलेगी आपको इससे, तो डेफिनेटली थम्स अप ज़रूर करना। और प्लीज़ इस वीडियो को अपने सारे फ्रेंड्स, सारे रिलेटिव्स, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, हर किसी के साथ शेयर करना, बिकॉज ये छोटे बच्चों के लिए नहीं, ये बड़े बच्चों के लिए भी अप्लाई करता है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हैंड फुट माउथ डिसीज़, यानी मुंह, हाथ और पैरों की ये जो बीमारी है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है। ये वायरल इन्फेक्शन सीरियस नहीं है। मेजॉरिटी केसेस में जहाँ पे ये इन्फेक्शन हुआ है, वहाँ पे कोई कॉम्प्लिकेशंस वगैरह नहीं देखी गई। ये बीमारी आती है और 7 से 10 दिन के अंदर जितना भी वायरस है वो बॉडी से निकल जाता है विथ प्रॉपर ट्रीटमेंट, जो मैं अभी आपको बताऊँगी। सबसे कॉमन है ये बीमारी 10 साल से छोटे बच्चों में और मैक्सिमम 1 से 4 साल वाले बच्चों में। तो इन एज ग्रुप्स में ये सबसे ज़्यादा आसानी से फैलते हुए देखी गई है। बड़ों को भी हो सकती है, पर ज़्यादा कॉमन ये बच्चों में है। ये बीमारी बहुत ही ज़्यादा कंटेजियस है, यानी बहुत आसानी से फैल सकती है। वो इसलिए क्योंकि ये बच्चों में सबसे ज़्यादा होती है। अब बच्चों के साथ क्या होता है कि बच्चों को हमेशा ये समझाना कि चीज़ों को टच मत करो, या कॉन्स्टेंटली अपने हाथों को धोते रहो, या फिर जब छींक मारो तो मुंह पे हाथ रखो या मुंह पे कपड़ा रखो, हाथ रखने के बाद हाथ जाके धो, तो ये सब थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है 100% उन्हें सुपरविजन में रखना, क्योंकि बच्चे पार्क भी जाते हैं, बच्चे स्कूल भी जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, जब बच्चे ये सब करते हैं और एक बच्चे के जो जर्म्स है वो दूसरा बच्चा जब उनके कॉन्टैक्ट में आता है, तो ये बहुत आसानी से फैल जाती है और फिर एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, ये जो पूरी साइकिल है ये चलती ही जाती है। ये फैलती कैसे है, जैसे अगर एक बच्चे को हुई हुई है, अगर उसने छींक मारी या फिर उसने खांसी करी और वो जो ड्रॉपलेट्स हैं वो किसी ऐसी चीज़ पे लगे जहाँ पे दूसरे बच्चे ने आके हाथ लगाया और वो हाथ उसने अपने मुंह में डाल लिया, या उस चीज़ को बच्चे ने मुंह में डाल लिया, जैसे छोटे बच्चों को एक दूसरे के टॉयज़ यूज़ करने की आदत होती है, तो उस तरह से ये बीमारी आसानी से फैल सकती है। तो बेसिकली जिसको हुआ है उसके फ्लूइड के कॉन्टैक्ट में अगर कोई और आएगा तो ईजिली ये बीमारी जो है ये फैल जाती है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बट डिस्कम्फर्ट ज़रूर होता है, क्योंकि वैसे भी बच्चों को कोई भी बीमारी हो जाए, बच्चों को तो एक बुखार भी हो जाए तो भी उन्हें डिस्कम्फर्ट होता है। बट इस बीमारी में क्योंकि बॉडी में इतने सारे रैशेज, इतना सारे छाले वगैरह हो जाते हैं, इसीलिए बच्चों को डिस्कम्फर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है। अब बात करते हैं कि इसके सिम्टम्स क्या हैं, कैसे जाने कि बच्चे को हैंड फुट माउथ डिसीज़ हुई है। तो कंफ्यूजिंग पार्ट ये है कि इसके जो सिम्टम्स हैं ये एक नॉर्मल वायरल के सिम्टम्स की तरह से शुरू होते हैं। नॉर्मली क्या होता है, बुखार आता है, खांसी शुरू हो जाती है, गले में थोड़ा दर्द सा शुरू हो जाता है, जुकाम शुरू हो जाता है। तो पेरेंट्स को जनरली लगता है कि बच्चे को जैसे कोल्ड हो गया है या वायरल हो गया है, इसकी वजह से ये हो रहा है। बट 2 से 3 दिन के बाद इस पर्टिकुलर बीमारी के सिम्टम्स बॉडी में आना शुरू होते हैं। तो जनरली सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो होता है कि आप गले के अंदर जो है मुंह में छाले आ जाते हैं, तो जुबान पे, मुंह के नीचे, साइड में, हर जगह छाले छाले से आने लगते हैं, जिसकी वजह से बच्चा खाना खाने को मना करने लग जाता है। क्योंकि ऑब्वियसली हम बड़ों को भी अगर मुंह में एक भी छाला हो जाए तो इतना डिस्कम्फर्ट होता है, तो बच्चों को भी काफी ज्यादा डिस्कम्फर्ट होता है। इसके अलावा हाथों पर और पैरों पर भी रैशेस से आने शुरू हो जाते हैं, लाल लाल दाने से आने शुरू हो जाते हैं, जो आगे जाके पस वाले दाने भी जो हैं वो बन जाते हैं। अगेन बच्चे टू बच्चे में जो सिम्टम्स हैं वो अलग अलग होते हैं, बट जनरली हाथ पे, पैर पे जो रैशेज हैं वो भी आते हैं और फिर वो ऊपर की तरफ बढ़ने लग जाते हैं। तो ये काफ़ी कॉमन सिम्टम्स है जिससे कि पता चलता है कि बच्चे को हैंड फुट माउथ डिसीज़ जो है वो हो रही है। अब इसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, तो इसको डायग्नोस करने का सबसे अच्छा तरीका है डॉक्टर को विजिट करना। डॉक्टर्स नॉर्मली क्या करेंगे कि बच्चे की पूरी कंडीशन देखेंगे, बच्चे का मुंह चेक करेंगे, किस तरह के छाले हैं, बॉडी पे जो रैशेस हो रहे हैं वो किस तरह के हो रहे हैं, प्लस आपसे सिम्टम्स डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली वो ये जज कर पाएंगे कि ये वाली डिसीज़ है। कुछ केसेस में डॉक्टर्स एक टेस्ट करना भी प्रेफर करते हैं जिससे कि कन्फर्म हो जाए कि ये हैंड फुट माउथ डिसीज़ ही है।
अब बात करते हैं कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, अगर बच्चे को हो गया है तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इस बीमारी की कोई वैक्सीनेशन नहीं है। तो अगर आप अभी तक नहीं हैं, आप ये सोच रहे हो कि आप वैक्सीनेशन करा लो और बच्चे को ये नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है। बट अगर बच्चे को ये हो जाता है तो बच्चे की बॉडी जो है एक एंटीबॉडी डेवलप कर लेती है इस बीमारी के अगेंस्ट, एक इम्यूनिटी बन जाती है बच्चे की इस बीमारी के अगेंस्ट, तो उसको दोबारा ये बीमारी होना जो है उसके चांसेस काफ़ी कम हो जाते हैं। डॉक्टर्स आपको ये सजेस्ट करेंगे कि सबसे पहला डॉक्टर्स क्या करेंगे कि अगर बुखार बच्चे को है इस बीमारी के साथ आया है तो वो बुखार को रिड्यूस करने के लिए आपको दवाइयाँ बताएंगे, ताकि बुखार जो है वो सडनली सर पे ना चढ़ जाए, उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जाए, बिकॉज बुखार एक अपना अलग ट्रीटमेंट मांगता है। उस पर मैंने एक सेपरेट वीडियो भी किया है, वो भी जाके देख सकते हैं कि बुखार में बच्चे का ध्यान कैसे रखें। तो नॉर्मली डॉक्टर बुखार को रिड्यूस करने की दवाई देंगे, और जो ये बॉडी पे रैशेज हो रहे हैं, स्पेशली जो ऊपर के पार्ट पे दाने वगैरह हो रहे हैं, उसके लिए डॉक्टर्स हो सकता है कोई ना कोई ऑइंटमेंट या कोई ना कोई क्रीम दे। मेरा सजेशन आपसे है कि जब भी बच्चों को रैशेज होते हैं तो प्लीज अपने आप इमीडिएटली ये सोच के कि ये जो है ये शायद हीट रैश होगा या कुछ और होगा, कुछ भी मत लगा लो। छोटे बच्चों के केसेस में डेफिनेटली डॉक्टर को कंसल्ट करके ही लगाओ। कई बार डॉक्टर्स देख के ही बता देते हैं कि क्या हो रहा है और इमीडिएटली उसका रिलीफ मिल जाता है, नहीं तो बच्चे ईचिंग करना स्टार्ट कर देते हैं जिसकी वजह से जो दाने होते हैं वो छिल जाते हैं, खून आ जाता है और फिर मार्क्स भी रह जाते हैं, और फिर पेरेंट्स परेशान होते हैं कि अब ये मार्क्स नहीं जा रहे, तो बच्चे को काफ़ी इन रैशेज की वजह से डिस्कम्फर्ट हो सकता है। तो डॉक्टर्स आपको फीवर रिड्यूसर दे सकते हैं, डॉक्टर्स आपको ऑइंटमेंट बता सकते हैं, बट इसके अलावा डॉक्टर कोई आपको नॉर्मली दवाई नहीं देंगे, क्योंकि कोई एंटीबायोटिक्स या कोई दवाइयाँ वगैरह इसके लिए बनी ही नहीं है। ये जो जर्म्स हैं ये 7 से 10 दिन में बॉडी से अपने आप ही निकल जाते हैं। प्रॉब्लम ये आएगी कि इस टाइम पे बच्चा खाना नहीं खा पाएगा, उसकी जो एपेटाइट है वो बिल्कुल गिर जाएगी, कुछ भी उसको खाने में या दूध तक पीने में अच्छा नहीं लगेगा। तो आप एज पेरेंट्स क्या कर सकते हो, डॉक्टर्स आपको एडवाइस करेंगे कि बच्चे को लिक्विड और ठंडी ठंडी चीज़ें दो, जैसे कि हमारे केस में भी होता है जब हमारे मुँह में छाले होते हैं, कोई भी गर्म चीज़ खाओ या कोई भी स्पाइसी चीज़ खाओ तो वो जाके छाले में लगती है और बर्न फील होता है। तो डॉक्टर्स आपको सजेस्ट करेंगे कि ठंडी ठंडी चीज़ दो, जैसे कि मिल्क शेक्स हो गए ठंडे ठंडे, आइसक्रीम हो गई, कस्टर्ड हो गया ठंडा, वाटरमेलन वगैरह, जो ठंडी ठंडी चीजें एकदम जो होती हैं वो आप दो, ताकि बेबी उसे इजीली जो है स्वॉलो कर सके और उसको लगे भी नहीं। फ्लूइड्स का इंटेक इस टाइम पे बिल्कुल बढ़ा दो, जैसे कोकोनट वाटर जो है वो आप दे सकते हो, जूसेस दे सकते हो, नहीं आप अपने डॉक्टर से चेक करो, मतलब डॉक्टर असेस कर सकते हैं कि गले की सिचुएशन कितनी खराब है, उसमें जूसेस देने चाहिए या नहीं। बट अपार्ट फ्रॉम दैट लस्सी हो गया, ये कोकोनट वाटर हो गया, ये सब अच्छी चीजें हैं बच्चे को constantly हाइड्रेट रखने की। वरी मत करो कि इस टाइम पे मेरा बच्चा खाना नहीं खा रहा है, बच्चा ऑब्वियसली इस टाइम पे खाना नहीं खा पाएगा। तो जब तक आप उसे हाइड्रेटेड रख रहे हो और जब तक आप उसे ठंडे ठंडे खाने दे रहे हो, तब तक बच्चा बिल्कुल ठीक रहेगा और वो भी आराम से खा लेगा। और लास्टली बात करते हैं कि हम इस बीमारी को प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। देखिए, हम इस बीमारी को एज अ सोसाइटी प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर हमारे बच्चे को ये बीमारी हुई है तो सबसे पहले बच्चे को आप इंडोर्स रखो, कोई भी बच्चे के कांटेक्ट में आ रहा है तो पहले ही उन्हें इन्फॉर्म करो कि बच्चे को ये प्रॉब्लम है, ताकि वो ऑटोमेटिकली थोड़ा सा बच्चे से डिस्टेंस बना के रखें और उन सब चीज़ों को, जैसे बच्चे को आके किसेस वगैरह करने की कोशिश ना करें या उन सब चीज़ों को टच करने की कोशिश ना करें जिनसे बच्चा कॉन्टैक्ट में आ रहा है। एज अ सोसाइटी ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर हम ही पहला स्टेप लेंगे कि हम ध्यान रखें तो बीमारी आगे फैलेगी ही नहीं। तो वो सबसे नंबर वन स्टेप है। अगर आपका बच्चा प्ले स्कूल जाता है या स्कूल जाता है या पार्क जाता है, तो उसको कुछ दिन के लिए, जब तक टोटली सारे सिम्टम्स बॉडी से ना निकल जाएं, उसको प्लीज़ मत जाने दो। क्योंकि आप भी एज अ पेरेंट, जब किसी और के बच्चे को ये होगा तो आप भी सबसे पहले ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो इस चीज़ का ध्यान रखें। तो सबसे पहले हमें ध्यान रखना है। दूसरा जो तरीका कोई भी बीमारी करने का, कोई भी बीमारी प्रिवेंट करने का होता है, वो होता है हाइजीन। हाइजीन मेंटेन कैसे होता है, सबसे ज्यादा बीमारियां फैलती हैं हाथों से, तो इसीलिए बच्चे के हाथ कॉन्स्टेंटली आप धुलवाओ। मैं कबीर के हाथ डिटॉल से धुलवाती हूँ, तो आप बच्चे के हाथ एंटीबैक्टीरियल सोप से अच्छी तरह से धुलवाओ, स्पेशली खाना खाने से पहले, खाना खाने के बाद, बाहर से आने के बाद डेफिनेटली हाथ धोने ही चाहिए। और इनफैक्ट जब बच्चे अपने टॉयज से भी खेल लेते हैं उसके बाद भी आपको उनके हाथ धोने चाहिए।
अच्छी है, बिकॉज आप डेली बेसिस पर टॉयज़ नहीं धो रहे हो, टॉयज़ भी गंदे हो रहे हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप बच्चे के हाथ जो है दिन में 3 से 4 बार अच्छी तरह से धो। और हाथ धोने का मतलब ये नहीं होता कि आपने हाथ ऐसे धो दिया और हो गया, अच्छी तरह से बच्चे के हाथ जो है प्रॉपरली धो। बच्चे को भी इससे एक गुड मैनर्स भी जो होता है बच्चा सीखता है कि कहीं से भी बाहर से आओ तो हाथ धो, उसके बाद खाना खाओ, उसके बाद कुछ भी करो। तो आई थिंक दैट्स द बेस्ट वे। बाकी अपने घर में क्लिनलीनेस मेंटेन करो, टॉयज़ वगैरह जो हैं अच्छी तरह से उनकी सफाई करो। अगर आपके बच्चे को ये हो गया है और आपका बच्चा एक प्ले स्कूल जाता है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि प्ले स्कूल में कॉल करके इन्फॉर्म करो कि इस वजह से मेरा बच्चा नहीं आ रहा है, और क्योंकि प्ले स्कूल से हो सकता है कि आपके बच्चे ने ये डिसीज़ कैच करी है, तो उनको ये इन्फॉर्म करो ताकि वो भी अपने वहाँ पर हाइजीन वगैरह एक्स्ट्रा मेंटेन कर पाएँ, जिससे ये और बच्चों को ना फैले। तो ये थी सारी डिटेल्स इस बीमारी के बारे में। हम कुछ पिक्चर्स भी डाल देंगे जिससे कि आपको पता चलेगा कि ये बीमारी जो है ये किस तरह से दिखती है, कैसे होती है। क्योंकि क्या होता है कि बच्चों के केस में इतनी सारी छोटी छोटी बीमारियां होती है कि काफ़ी कंफ्यूजन हो जाता है कि ये कौन सी है और ये कौन सी नहीं है। तो डॉक्टर्स जो हैं एज इट इज़ हमारे बेस्ट जज होते हैं, बट अपनी इन्फॉर्मेशन के लिए, अपनी अवेयरनेस के लिए आपको ये सब जानना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ इस वीडियो को सबके साथ शेयर करो ताकि हर पेरेंट को अवेयरनेस मिल सके कि उनको इस बीमारी के केस में करना क्या है। तो अगर वीडियो पसंद आया लाइक ज़रूर करना, और अगर आपको पेरेंटिंग में गाइडेंस चाहिए, हेल्प चाहिए और थोड़ी सी हैप्पीनेस चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो। नीचे रेड बटन दिया है, साथ में बेल आइकन दिया है, जिसको अगर आप हिट करोगे तो आपको हमारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन टाइम पर मिल जाएगा। एंड मेरे बेबी का भी अब चैनल हमने स्टार्ट कर दिया है, उस चैनल का नाम है कबीर पायत, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो अगर आप एक बच्चे की जर्नी फ्रॉम व्हेन ही इज़ बॉर्न देखना चाहते हो, तो डेफिनेटली उस चैनल को जाके वॉच करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मॉमकॉम इंडिया। बाय बाय।